मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश फलावत है। 10 मार्च के SkyMet के वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहाड़ों पर पहुंच चुका है और उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जो अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है, वो भी धीरे धीरे पहाड़ों पर जल्दी ही पहुंचेगा। और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, और हवाएं घूमने लगी हैं, जो उत्तर पश्चिमी हवाएं थी वो रुक गई हैं और उनके रुकने से आपने देखा होगा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बढ़ने लगे हैं। और ये कल यानी कि 12 तारीख, मतलब आज 10 तारीख है, परसों 12 तारीख के आसपास ये स्थिति बन जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले वाला आगे चला जाएगा, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा नीचे आएगा, एक ट्रफ रेखा बनेगी पाकिस्तान के ऊपर और उत्तर प्रदेश तक, एक ट्रफ है जो दक्षिण भारत में है। और इस समय जो बादलों की स्थिति है 10 मार्च को आज दोपहर 12 बजे के आसपास आप देख सकते हैं कि ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बादल पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे हिमाचल में भी पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो जो आपका अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के कई इलाकों में बादल हैं और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। लेकिन ये जो बादल हैं, आपको ये ऐसा कभी कभी एहसास होता है कि ये बादल इस तरह से आगे आएंगे, लेकिन नहीं, ये बादलों का जो रुख है वो लगभग इस तरह से है, यानी कि इस तरह से ये उत्तर पूर्व की तरफ चल रहे हैं। तो इनका जो झुकाव है वो ये राजस्थान की तरफ बहुत कम है, हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं और हल्की फुल्की बौछारें कुछ इलाकों में हो सकती हैं, आज भी हो सकती हैं। और उसके बाद 11 तारीख से जो आगे, माफ कीजिएगा अभी गला पूरी तरह सही नहीं हुआ, तो ये जो राजस्थान के कुछ इलाके बारिश देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, हल्की बारिश होगी। मॉडल अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी मॉडल नहीं दिखाया था लेकिन बारिश हो गई थी, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जब ये बादल इस तरफ से जाएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलेगा, तो इसका कुछ असर उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान पर दिखाई दे सकता है। तो अभी अगर हम फिलहाल बात करें तो जो मिनिमम टेम्परेचर है, आपने कल देखा होगा कि 10 डिग्री के नीचे आ गए थे। आज 10 मार्च को कोई भी इलाका ऐसा नहीं है उत्तर भारत का जहां पर जो मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे है, 10 डिग्री के ऊपर पहुंच चुके हैं। और उसी तरह से मैक्सिमम टेम्परेचर भी जो 25-26 के आसपास थे वो 27-28-29 और 30 डिग्री के आसपास ज्यादातर इलाकों में पहुंच चुके हैं। तो अगर हम पहाड़ों से शुरुआत करें इसकी, तो पहाड़ों पर आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हल्की बारिश होगी, बहुत हल्की बारिश होगी, वो जैसे मैंने बताया गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके। 11 तारीख को इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और ये उत्तराखंड तक बारिश पहुंचेगी, ऊंचे पहाड़ों पर, जो काफी ऊंचे पहाड़ है वहां पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। 12 तारीख को थोड़ा सा कमी आएगी दिन के समय में, लेकिन जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पहुंचेगा तो 12 तारीख की शाम या रात से फिर से पूरे पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। और 13 मार्च को इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी हो सकती है, और जो हम कह सकते हैं कि 100 मिलीमीटर के आसपास, 90 से 100 मिलीमीटर तक के बारिश भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है ऊंचे ऊंचे इलाकों में। तो ये 13 तारीख तक इस तरह का वेदर रहेगा और 14 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ चले जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे और यहां से ये हट जाएंगे। अगर इस तरह से आगे जाते हैं तो जो इंटेंसिटी है 14 तारीख को बहुत कम हो जाएगी और 15 तारीख होते होते मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अगर हम अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब के उत्तरी जिलों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 11 तारीख की रात से भी शुरू हो सकती हैं और उसके बाद फिर 12 तारीख की रात और 13-14 तारीख को भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी जिलों में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर और कपूरथला, जलंधर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा तेज बारिश होगी, बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, एक दो स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा 13 तारीख को रहेगी और 12 तारीख की रात में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, 11 तारीख को जो बारिश है वो बहुत हल्की कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी। 13 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी, हम कह सकते हैं कि लगभग हर जिले में बादल छाएंगे या बारिश की गतिविधियां 13 तारीख को हो सकती हैं।
अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, ये जो इलाके हैं तेज बारिश देख सकते हैं कुछ, और बाकी इलाके जो हैं वो हल्की बारिश देखेंगे। अगर सिरसा फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की गतियाँ थोड़ी सी तेज हो सकती हैं, लेकिन जो हिसार है, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, नूह, पलवल, फरीदाबाद, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना नजर आ रही है 13 तारीख को। 13 तारीख को ही बारिश की गतिविधियां दिल्ली NCR को भी छू सकती हैं। हालांकि तेज बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, तो जो गर्मी फिर से धीरे धीरे बढ़ रही है उससे कुछ राहत आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो 3 तारीख को ओलावृष्टि हुई थी और तेज बारिश हुई थी, उसके कारण जो दिल्ली NCR सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तापमान गिरे हैं और ये अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो बसंत ऋतु में जो थोड़ी गर्मी बढ़ती है वो थोड़ी सी डिले हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बारिश की संभावना नजर आ रही है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में चांसेस बहुत ज़्यादा कम नजर आ रहे हैं। और अगर और आप पूर्व की तरफ चलेंगे, जैसे शाहजहाँपुर, फरक्काबाद, मैनपुरी, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट और मंझनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये जितने भी इलाके हैं ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। बिहार का मौसम भी पूरी तरह शुष्क रहेगा। अगले एक सप्ताह तक कोई भी बारिश की गतिविधि पूरे बिहार में आपको दिखाई नहीं देगी। और आप पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज, सुपौल, अररिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जुमई और रोहतास, पटना, वैशाली, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से लेकर के आपका पटना, गया, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे, हल्की गर्मी आपको महसूस होने लग जाएगी। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आज बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन चांसेज 50% है और जो बारिश होगी वो ना के बराबर ही दिखाई देगी आपको। 13 तारीख को हो सकता है कि ये जो 12 तारीख की रात और 13 तारीख को बीकानेर के उत्तरी भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो और चूरू के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें हो सकती हैं। ज़्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, अजमेर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब मध्य प्रदेश में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। अब तापमान 30 डिग्री के ऊपर सभी जगह पर पहुंच जाएंगे और जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर 33-34 डिग्री और 35 डिग्री तक झबुआ, इंदौर, वडवनी, खरगोन, खांडवा, हरदा, बेतुल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, मांडला, डिंडोरी, ये सारे इलाके तेज गर्मी दिन में देखेंगे। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा से लेकर के बस्तर, सुकमा तक कोई भी मौसमी गतिविधि फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, मौसम गर्म रहेगा। झारखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, पूरा झारखंड शुष्क रहेगा और कोई भी बादल वगैरह भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। आसमान लगभग साफ रहेगा, दिन में तेज धूप रहेगी और सुबह और शाम के समय हल्का सुहावना मौसम हो सकता है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो कुछ इलाके हैं जैसे कि गजपति, गंजम और ये पुरी वगैरह, जगत सिंहपुर, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना, बूंदाबांदी की संभावना है। बाकी इलाके गर्म और शुष्क बने रहेंगे। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में तापमान बढ़ने लगे हैं, mid-30s में पहुंच गए, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा। रन ऑफ कच्छ में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बाकी इलाके बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महिसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सारे इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। यहाँ पर अगले एक सप्ताह तक कम से कम कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी हमें कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, पूरा महाराष्ट्र गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा और तापमान अब 36-37 डिग्री तक पहुंच जाएंगे विदर्भ और मराठवाड़ा में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी बारिश नहीं दिखाई दे रही है कहीं पर भी। कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इस इलाके में बूंदाबांदी हो सकती है, बादल छा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम,
और असम में जो बारिश है वो 14 और 15 तारीख को हो सकती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो अवशेष यहाँ पर पहुंचेंगे तब जाकर के कुछ वेदर एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में केरल में कुछ इलाकों में हल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं, दक्षिण केरल में, और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में भी श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में हल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटका, पूरा कर्नाटका और तमिलनाडु और आपका जो रायलसीमा है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क बने रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।